वही इवेंट किसका होगा? अरे हाँ कि ना, तो सुनेंगे जैसे आ जोड़ते चलो भाई साहब, 3 का और 18 का इवेंट कई बार? एक बार, तीनों पर एक और तीनों पर एक और तीनों पर छह, यही ना। आप बोलेंगे जैसे भाई साहब, मैं कह रहा हूं जो योगफल विद्यार्थी जी 4 होगा, अभी 3 के बाद 4 ही ना होगा, तो इधर से बोलो कई पुराना है, कैसे ना सस्ता कर बोलेंगे जैसे 5 ताबरी पक्का कितना, चलो सब बच्चा लिखते चलो, एने से 6 तो एने से 15, एने से 7 इधर से विद्यार्थी जी 14, इधर से 8 इधर से 15 आगे 8 13 नंबर जी, आगे बढ़िए, इधर से 9 तो इधर से 12, इधर से 12 इधर से 10 तो इधर से 11। अब तो सब हो गया, चलिए सब लिख लीजिए पहले, सब लिख लीजिए पहले, चलो लिख लिया तो हम भोगते हैं बोलना विद्यार्थी जी, जस्ट चाहिए रीजनिंग होता भाई, देखना है जैसे श्रेणी तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे कम कितना होता है, नहीं तो लोग बोल रहा है लिख रहा है भाई साहब, बोलिए इधर, सबसे कम कितना और सबसे बड़ा 18, जोड़ के कई आ रहा है, तो यदि जो सबसे कम 3 लेंगे तो बड़का कई होगा 18, इवेंट कई बार, अरे घटना कई बार, इधर से 4 तो इधर से 1 से कई बढ़ गया 2, अभी देखो 3 हुआ तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 से ई दुगो खाली याद करे पड़ेगा, नीचे वाला भाई साहब 9 और 10 याद रहेगा साहब, एगो 25 बार एगो 27 बार याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो विद्यार्थी। चलिए अब ये थ्योरी इसका क्लियर हुआ, क्या ये दिमाग में रह सकता है? अरे रीजनिंग में नहीं है, रीजनिंग बनाए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 4 25 2 27 यदि जो श्रेणी रहता तो गलती कौन होता 25, अरे गलती कौन होता 25, याद रहेगा बाबू, तो मैं क्वेश्चन लिखाऊं, बोलो लिखिए, मैं मिटा रहा हूं साहब, मिटा रहा हूं, चलिए सब चीज आपके कॉपी पर लिखा हुआ है, लिखेगा, जब 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है जी, जब 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 आए, तो अंकों का योग 8 आए, अंकों का योग 8 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? अंकों का योग 8 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? अंकों का योग 8 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 5, इसकी क्या प्रायिकता होगी? देखिए 5 का है, खत्म कर देंगे विद्यार्थी जी, 5 खाली होगा कि 5 बटा 36 होगा, 5 बटा 36 ना, इन्हीं की 8 लिखा है तो 7 बटा 36 तो कर दो, अरे बढ़ता कहीं तक है 7 तक, देखो आप अपने क्वेश्चन में अंकों का योग के ऊपर ही 7 लिखल है, देखो तो अंकों का योग देखिए 7 लिखल है,
अरे है सात लिखल, सबसे लास्ट में कई बार लिखल है देखिए, पांच बार सात कहते हैं, आठ ना पूछे हैं, आठ पूछे हैं ना, तो आठ वाला में कई बार घटना। चलो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही बराबर सूत्र होता है नंबर ऑफ ही बटा नंबर ऑफ। सुनेंगे लास्ट बार दम समझा के बोल रहा हूं, अंकों का योग क्या है, दो पासा वाला टेबल निकालो तो सब बच्चा, ओए सब दो पासा वाला टेबल निकालो, अरे दो पासा वाला टेबल निकालो, देखो तो अंकों का योग के जो आठ लिखल है कई बार लास्ट में लिखल, तो पांच इवेंट हुआ कि पांच सिंपल स्पेस इवेंट हुआ, तो नंबर ऑफ इवेंट कई बार, और सिंपल स्पेस कितना। आप कहेंगे छत्तीस कने से ली सर, तो एक पासा की दो पासा, तो छोके पावर दू तो छह, सही है ना, लिख लीजिए, लिखिएगा सर। जब दो पासा एक साथ फेंका जाता है, क्वेश्चन, जब दो पासा एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग चार का गुणनफल हो, अंकों का योग चार का गुणनफल हो कि प्रायिकता, अंकों का योग चार का गुणनफल हो कि प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग चार का गुणनफल हो कि प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग चार का गुणनफल हो कि प्रायिकता क्या होगी। चलो छोड़ो, ओए फंसेगा इसमें भी, अरे अंकों का योग फल कई का गुणनफल, तो कितना बचा, तीन बटा छत्तीस एक बटा बारह मार रहा होगा, फंस गया तू मेरा दोस्त। हम बोले अंकों का योग कई का गुणनफल, तो बोलो दो पासा में सबसे कम योग कितना, एक आगे जाके सबसे ज्यादा कितना, तो क्या अंकों का योग बारह चार का गुणनफल नहीं है, अंकों का योग एगो बीचे में आठ आता है चार का गुणनफल नहीं है, अंकों का योग एगो बीचे में और चार आता है चार का गुणनफल नहीं है। तो ये जब बोलिएगा विद्यार्थी जी, हमसे क्वेश्चन पूछा कि अंकों का योग जो आए वह कई का गुणनफल, तो वह इवेंट होगा एगो चार एगो आठ एगो, बोलो विद्यार्थी जी, तो बोलेंगे जैसे वह संख्या होगा चार आठ बारह, तो बोल घटना लिख देते हैं सामने विद्यार्थी जी, कौची लिख देते हैं घटना, तो चार कई बार, आठ कई बार, बारह कई बार, ये समझा कि नहीं समझा। अब हमें बोला गया कि अंकों का योगफल कई का गुणनफल होना चाहिए, तो चार का गुणनफल दो पासा में भाई साहब सबसे मिनिमम योग कितना, दो, और सबसे मिनिमम योग और सबसे मैक्सिमम, तो दो से बारह तक कई संख्या ऐसा है जो चार से कटता है, तीन गो एगो कौन एगो एगो, तो चार कई बार, आठ कई बार, बारह कई बार, तो ये जो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ही बराबर नंबर ऑफ इवेंट, तो इवेंट पांच तीन आठ है नौ बटा छत्तीस, देख भाई एक बटा चार आया था, लिख लीजिए साहब, ये समझ में आया कि नहीं, झूठ मत बोलना सर, इस तरह आप लोगों से पूछ रहा हूं, दिक्कत नहीं ना बाबू, किन्हीं बच्चे को दिक्कत तो बोलो हाथ खड़ा करके, किन्हीं को दिक्कत हुआ है क्या, कोई बड़ा भैया को भी, हा इधर से भांजी, इन्हीं के खाली भैया को पूछ रहे हो गया ना, लिखेगा सर ये सब क्वेश्चन दम बोर्ड मॉडल दिया हम, इधर दम पुछल जैसा क्वेश्चन दिया, लिखेगा क्वेश्चन, जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग अभाज्य संख्या हो, अंकों का योग अभाज्य संख्या हो कि प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग अभाज्य संख्या हो
कि प्रायिकता क्या होगी, कि प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग अभाज्य संख्या हो कि प्रायिकता क्या होगी, आ गया 1/4 आया। चलो मैं बताता हूं, आ जाओ सभी बच्चे इधर। ओए हलाने, अंकों का योग कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अंकों का योग कहां से शुरू, बोलता नहीं है भाई साहब। अरे अंकों का योग कैसे शुरू, कौन पासा में, दो पासा। अरे काय पासा में, अंकों का योग शुरू होता है 2 से, खत्म कहां पर, 12 पर। 2 से 12 तक में क्या अभाज्य संख्या है, अरे 2 से 12 तक में अभाज्य संख्या है, बोलो। सबसे पहला अभाज्य, अब कहेंगे सर पग ले लो, पगलाएं हम की ठीक है, क्योंकि 2 कैसी आवाज है, सम आवाज। अरे 2 कैसी है, तो बोलेंगे सबसे पहला इवेंट एगो होगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 आभाज की भाज, 11 और कोई नहीं विद्यार्थी जी। तो बोलो 13 कहां से होता है, देखिए 13 तो उसे 17, 23 भी कहे लगेगा भाई साहब। ओ ये कभी सोच रहा 12, 14 हो, वाओ कुसनका से, कुसनका से ना विद्यार्थी जी। अंकों का योगफल लास्ट होता है विद्यार्थी जी 12, है ना। अच्छा 14 कौची होता था, सबसे कम और सबसे ज्यादा के जोड़ला पर। आगे बढ़िएगा तरीका से बोलना होगा, हम नहीं कुछ बोलेंगे। 2 कई बार, 3 कई बार, 5, 7, 11 दो बार भी देते। आगे बोलो सबको जोड़ो, 6 या 2, अरे 6 या 2, 8 या 4, 12 या 2, 14 या 1, 15 बटा कितना, 5 + 15, 12 + 36 तो आंसर होंगे कि होवे करेंगे, कितना अभाज्य नहीं संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है विद्यार्थी जी जो किससे कटे, एक और अपने आप से, सही है ना। तो अंकों का योगफल 2 पासा में हमने आपको बताया, 2 से लेके कई तक, ये बताए जो समझे ना। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, समभाज है। 3 भी आवाज है क्योंकि 1 और 3 इसका फैक्टर है। 4 नहीं है क्योंकि ये वो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 3 फैक्टर ना हो गया। आगे 5 होगा क्योंकि 1 और 5 है। 6 नहीं होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 7 होगा क्योंकि 1 और 7। 9 नहीं होगा क्योंकि 1, 3, 9 भी हो जाता है। अरे 11 होगा क्योंकि इसका 1 और, अभाज्य उसे कहते हैं जो 1 और खुद से कटे, वही अभाज्य होगा, समझे, ठीक है ना। लिखिएगा जब 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, जब 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो उनका योग, सम संख्या आए, उनका योग सम संख्या आए कि प्रायिकता, सम संख्या आए कि प्रायिकता क्या होगी, उनका योग सम संख्या आए कि प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आए कि प्रायिकता क्या होगी। हम सम संख्या भी बोले हैं, कितना, चलिए ओए अब ये अंकों का योग कै होना चाहिए,
समसंग। अरे क्या आना चाहिए? तब बोलो सबसे कम अंकों का योग दो और सबसे ज्यादा, तब बोलो दू से बारह तक में अंकों का योग सम संख्या आता है, तो कौन कौन है? एगो दू है योग, एगो चार है, एगो छ है, एगो आठ है, एगो दस है। अरे है कि नहीं है? तो बोलो दू कै बार, चार कै बार, छ कै बार, आठ कै बार, ई कै बार, ये कै बार। तो बोलो चार और पांच, नौ पंच चौदह, तीन सत्रह एक, अठारह बटा एक बटा दो। क्या साहब आपसे नहीं बनेगा? ऐसा लगा कि आपको समझ में आया कुछ? बोल ना मेरे भाई। अरे ना आया तो ना बोलो, आया तो हाँ बोलो। हाँ सर। पक्का? जिनको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो, नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कीजिए। ये नहीं कि मैं आपका बेइज्जती कर दूंगा विद्यार्थी जी, आप हाथ खड़ा करें विद्यार्थी जी। हो गया सबका? तो मैं आगे कहानी बढ़ाऊं। तीन पासा का दो तीन क्वेश्चन लिख लो, फिर से बोलना। तीन पासा में एक, तीन, बोलो बोलो, एक नहीं मेरा, हम ही नहीं बोल रहे, रीजनिंग वाले बोल रहे कि ये आंसर वा कई बार आ रहा है। सबसे पहले कई बार, फिर 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 फिर, यही तो था ना। फिर से बोलेगा, जब बोलेगा अठारह तीन इक्कीस ना, अरे अठारह तीन इक्कीस ना आ रहा था, तो बोलो जो तीन का वही अठारह का, तेरह का आगे, अरे जो तीन का वही अठारह का, जो चार का वही सत्रह का, जो पांच का वही सोलह का, जो छह का वही पंद्रह का, जोड़ू ना इताओ, ऐसे में लगल भी यह कट जाएगा भाई। इन तरह कल को आदमी की तरह दिल्ली छह हजार, एक बार आओ चार हजार, तो कहीं ग्यारह हजार हो जाएगा। समझ गया? क्वेश्चन लिखेंगे, मैं वहां लिख दिया हूँ आपके सामने भाई साहब। यदि तीन ए बाबू एक बात और बतावे के था, तीन पासा का टोटल इवेंट टोटल सिंपल स्पेस दूसो सोलह लिखेगा। जब तीन पासा को एक साथ फेंका जाता है, जब तीन पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग, तो अंकों का योग दस आए, अंकों का योग दस आए की प्रायिकता, अंकों का योग दस आए की प्रायिकता क्या होगी? अंकों का योग दस आए की प्रायिकता क्या होगी? अरे गो दस तो ग्यारह सबसे नीचे वाला, अरे गो दस तो एगो ग्यारह ना होगा, क्योंकि ग्यारह दस इक्कीस, देखो तो सताइस बार लिखल है, देखो ना जी सताइस बार लिखल है, सबसे नीचे रेबो हुआ। यस सर। देखिए सबसे नीचे लिखल है सताइस, नहीं समझे कहे हैं, ये देखो है ना, तो अंकों का योगफल कौची बोले दस, तो उसका नंबर ऑफ इवेंट विद्यार्थी जी कई बार हो सताइस, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस विद्यार्थी जी दो सौ सताइस का सताइस सताइस अट्ठी दो सौ सोलह एक बटा कै। क्या साहब कोई दिक्कत लगी? लिखिएगा विद्यार्थी साहब, किन्हीं बच्चे को यदि जो दिक्कत तो आप पूछो भाई साहब, आप दस रुपया हमें देंगे विद्यार्थी जी, दस रुपया जी। कहां से आया? देखिए केजुपरी दस लिखल है टेबल में है, तो दस के सामने कौची लिखल है ग्यारह, और दस के सामने ग्यारह लिखल है ना, तो बोलो जोड़ के कई आ रहा है इक्कीस, इक्कीस आ रहा है ना, तो जो इवेंट दस का योगफल का होगा वही इवेंट किसका होगा ग्यारह का, और साइडवा में लिखल है घटना कई बार, तो बोलो भाई वहा ए छोटे हम रीजनिंग नियम तो बोले, फिर से बोल दो इसका टेबल, एक तीन
पांच का मतलब खत्म कर दिया, एक दो तीन, तीन तीन छह चार दस पांच पंद्रह छो इक्कीस के बाद यही तो दूगो फूट था। अरे यही तो दूगो फूट था भाई साहब, एक बार फिर से बोलो, एक दो तीन तीन छह चार दस पांच पंद्रह छो इक्कीस के बाद और कौन, यही तो बोला था। इतना पढ़ो भाई साहब की क्लासरूम में आपको याद हो जाए विद्यार्थी जी। फिर जो बोलो, एक के बाद तीन के बाद छह के बाद दस के बाद पंद्रह के बाद, बाती गंगा में हर कोई याद हो रहा है भाई साहब। इक्कीस के बाद पच्चीस के बाद, अरे फूट कौन कौन था, पच्चीस था। अरे हाँ या ना, चलिए लिखिएगा सर। जब तीन पासा को एक साथ फेंका जाता है, जब तीन पासा को एक साथ फेंका जाता है, टाइम देखना, जब तीन पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग, अंकों का योग एक घंटा सात मिनट, अंकों का योग एक सम संख्या आए, अंकों का योग एक सम संख्या आए की प्रायिकता, अंकों का योग एक सम संख्या आए की प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग एक सम संख्या आए की प्रायिकता क्या होगी, कितना, एक आया है, एक आ गया, देखो कुले जलीमा पलटल को देखल को के हां सम सम संख्या। चलो पलट के बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास जैसे परी परीक्षा में हो जाए कुछ पलट भी लिया। चलो आ जाओ, आया आओ ना, हम सिखाते हैं। सबसे कम कितना, तीन बोले, जैसे ऐजा परी अठारह, ऐजा चार तेजा, ऐजा पांच तेजा, ऐजा छो तेजा, सात त आठ त नौ त दस त, बोलो जैसे अंकों का योग कैसी संख्या, तो बोलो सम संख्या कौन कौन हो सकता, चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह। तो हम यही तो दिखाना चाह रहे थे भाई साहब, हम बोलना तो यही चाह रहे थे दोस्त। बोलो जैसे जोड़ के कह लाना है बउआ, इक्कीस, और जोड़ के कह लाना है, सबसे कम, सबसे कम योगफल कितना, तो सबसे कम तीन, तब पक्का है वो कोई विषम ही हो।